भाइया बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मैं चल रही हूँ नल के पास। सबसे पहले मैंने चावल लिया हुआ है। चावल को अच्छे से साफ पानी से धुल के साफ करेंगे। चावल धुल के देखिए साफ कर लिया है। चावल देखिए धूप में डाल के इसको सुखवाएंगे। धूप में चावल को डाल दिया है, अब अच्छे से देखिए सुखवाएंगे। चावल मैंने बीच बीच में देखिए हाथ देखिए चलाएंगे। चावल हमारा धूप से अच्छे से सूख गया है। तो एकदम मुझे टाइट नहीं सुखाना है। देखिए भरभरा एकदम हो चुका है। हाथ में देखिए बिल्कुल पानी भी नहीं लग रहा है। चावल हमारा देखिए अच्छे से सूख गया है। तो एक बर्तन में उठाएंगे। चावल को मैंने अच्छे से देखिए धूप में सुखवा लिया हुआ है। अब इसको मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीसेंगे। चलने के सहारे इसको देखिए चाल चाल के जो इसमें आटा है वो पतला वाला वो देखिए बाहर निकल जाएगा। जो देखिए मोटा वाला है इसको हम दोबारा पीसेंगे। तो ऐसा ही हम सारे चावल को पीस के तैयार करेंगे। आज दोस्तों मैं बनाऊंगी चावल की कुरकुरी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को पसंद होता है। तो आज मैं वही बनाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है चूल्हे पर। अब इसे कढ़ाई में डालेंगे पानी। अच्छे से हम पानी को उबलने देती हूँ। इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा डालेंगे मंगरैल। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। सारे सामग्री के अच्छे से चावल को पाउडर में मिलाएंगे। पानी हमारा अच्छे से उबल गया है। तो उबलना हुआ पानी मैंने और इसमें चावल में देखे डालकर अब अच्छे से मिलाएंगे। गर्म पानी में अच्छे से आटा को घोलेंगे। हमारे हींग का बहुत ही अच्छे से देखिए खुशबू आ रहा है। कढ़ाई में दोबारा पानी डालकर गर्म करूंगी। हमारे गांव देखिए चौकी छूट रहा है, जो शादी के बाद जो देवी देवता का पूजा होता है। सभी दीदी देखिए गाना गा कर जा रही है। हमारे द्वारे के सामने देखिए रोड है। पानी हमने कढ़ाई में दोबारा गर्म कर लिया है। तो थोड़ा सा देखिए पानी को बाहर निकालेंगे, जो मुझे जरूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे। मैंने बाहर अच्छे से घोल लिया है। अब हम कढ़ाई में डालकर देखिए हल्के धीमी धीमी आंच में इसको हल्का सा पकाएंगे। बराबर देखिए धीमी धीमी आंच में और बराबर चलाते रहेंगे। देखिए बिल्कुल हमारे चावल में गुठलिया न पड़े। थोड़ा सा इसमें गर्म पानी जो हमने बाहर निकाला था वही पानी दोबारा थोड़ा सा डालेंगे। अच्छे से देखिए उबाल आ रहा है। तो उबाल आते समय देखिए 10 मिनट हम पकाएंगे। बराबर देखिए चलाएंगे जैसे कढ़ाई हमारे नीचे पकड़े ना। धीमी धीमी आंच से अच्छे से पका लिया हुआ है। अब कढ़ाई को उतारेंगे नीचे, 3 भाग में अच्छे से रखेंगे। हल्का सा ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद इसमें हम कलर फूड मिलाएंगे। पीला कलर लिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें देखिए पानी डालेंगे। पीला कलर देखिए इसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे। इसमें डालेंगे हरा कलर। अब मैं लेके चल रही हूँ छत पे। मैं आ गई हूँ छत पे। अब हम चावल का देखिए चुरी और छत पे बनाना शुरू करेंगे। कोहराड़ी आकार में हम इसको खोटेंगे। आप बड़ा साइज छोटा साइज कर सकते हैं। तो मैं यही साइज के डालूंगी। थोड़ा छोटा रहेगा तो हल्दी सूखेगा।
मैंने व्हाइट वाला बना लिया है, बस एक थोड़ा सा हाथ में बचा है। होली के मौके पर दोस्तों तरह तरह का पापड़ बनता है। मैं देखिए आज चावल की चुनरी बना रही हूँ। अब मैं पीला वाला शुरू करूँगी बनाना। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो रहा है तो काफ़ी देखिए गाढ़ा हो रहा है, तो मैं फटाक से देखिए बना लेती हूँ। पीला कलर देखिए बना लिया हुआ है, अब हरा कलर बनाएंगे। इस तरफ देखिए मैंने बना लिया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, मैं बना लेती हूँ। अब हम कड़ी धूप में अच्छे से सुखवाएंगे, छत से चलेंगे नीचे, चार घंटा बाद देखिए छत पे आएंगे। दो दिन कड़ी धूप में अच्छे से सुखवाया हुआ है, अब बहुत अच्छे देखिए सूख गया है, तो मैं बारी बारी देखिए इसमें लगा हुआ है, तो मैं छुड़ा लेती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया देखिए सूखा हुआ है, तो मैंने बहुत ही अच्छे देखिए सुखवा लिया है, इसी से आवाज भी आ रही है। आप देखिए ऐसे बनाकर सुखवा कर अगर डब्बे में रखेंगे तो जब आपको मन चाहेगा तब छानेंगे, काफी देखिए कुरकुरा होगा, खाने में काफी टेस्टी लगेगा। मैंने चूल्हे पे आग जला दिया हुआ है, अब रखेंगे चूल्हे पे कढ़ाई और इसमें डालेंगे रिफाइन। तेल हमारा हीट हो गया है, देखिए थोड़ा थोड़ा डालकर छानेंगे। तो देखिए फूल का एकदम ऊपर आ गया है, इसको हम छान लेती हूँ एक थाली में। काफी अच्छा देखिए फूल फूल एकदम ऊपर आ रहा है। एक मिनट से कम लगता है, देखिए पापड़ हमारा एकदम फूल फूल के ऊपर आ गया है। ऐसे बनाएंगे देखिए तो काफी देखिए कुरकुरा बनेगा, खाने में काफी अच्छा लगेगा। चावल की कुरकुरी जो कि खाने में काफी टेस्टी लगता है। आज का हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक लिए राम राम।